सुनो ऐ लोगो सुनो, जो कोई मेरे तीन सवालों की जवाब देगा मैं मुसलमान हो जाऊंगा। सुना है मुसलमान आलिम फाजल होते हैं। पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पहला सवाल, अल्लाह से पहले कौन था और अल्लाह के बाद कौन होगा? दूसरा सवाल, अल्लाह का चेहरा कैसा है? तीसरा सवाल, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अरे ये कैसा सवाल है, नहीं पता इन सवालों को तुम्हारा नहीं पता? नहीं पता, नहीं आपको पता है? नहीं पता है। यहाँ क्या हुआ है मुझे भी बताओ। ये यहूदी तीन सवाल कर रहा, कैसे सवाल कर रहा है? पहला सवाल, अल्लाह से पहले कौन था और अल्लाह के बाद कौन होगा? दूसरा सवाल, अल्लाह का चेहरा कैसा है? तीसरा सवाल, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? मैं इन सवालों के जवाब दूंगा। तुम क्या दोगे हमसे? हम नहीं होगा। मैं तेरे सवालों के जवाब दूंगा। कुछ क्या पूछना है? तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? हाँ मैं तेरे सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल, अल्लाह से पहले कौन था और अल्लाह के बाद कौन होगा? उल्टी गिनती शुरू कर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सिफर के बाद क्या है? सिफर के बाद क्या होगा? यही आखिरी हद है। तो मामूली गिनती की हद सिफर से आगे नहीं है, तो मेरे अल्लाह की कोई हद नहीं है। वो सबसे पहले था और सबसे आखिर भी वही होगा। दूसरा सवाल, अल्लाह का चेहरा कैसा है? मोमबत्ती का चेहरा बताओ। अरे मोमबत्ती का भी चेहरा होता है क्या? तो मेरे अल्लाह तो नूर ही नूर है, कोई उनका चेहरा कैसे देख सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। तीसरा सवाल, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? सवाल करने वाले हमेशा नीचे ठहरकर सवाल करते हैं। तो मेरी जगह पर आ, मैं तुम्हारी जगह पर आता हूँ। अल्लाह ताला इस वक्त एक मुसलमान की शान बढ़ा रहे हैं और एक यहूदी की इज्जत घटा रहे हैं। अल्लाह ताला इस वक्त ये काम कर रहे हैं। तुमने मेरे तीन सवालों के जवाब दिए। मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।